आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा सैंडविच। ये बहुत जबरदस्त होता है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी फूड है। जो एक दफा बनाएंगे तो आपके बच्चे बार बार कहेंगे। बहुत हेल्दी फूड है ये बच्चों के लिए। अब हम शुरू करते हैं पिज्जा सैंडविच बनाना। उसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, छोटी प्याज कटी हुई। ब्राउन हो गए हैं लाइट से, तो इसमें हम डाल देंगे मुर्गी जो कि हमारे पास है आधा किलो। देखिए मुर्गी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसी पानी में हम इसको गलाएंगे। इसमें हम डालेंगे नमक जो कि हंस पे जायका आप रखेंगे, हाफ टेबल स्पून अदरक का पाउडर, हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर, एक चम्मच हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें व्हाइट पेपर डालेंगे, सफेद मिर्च। अब इसमें दो चम्मच हम डाल देंगे टिक्का मसाला। ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक भी डाल सकते हैं कि आपको जितना टेस्ट पसंद हो। इसमें हाफ कप हम पानी डाल के और इसको जरा सा दम पे खड़ा कर देंगे ताकि चिकन जो है उसके अंदर मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए। अब हम बनाएंगे सैंडविच के अंदर रखने के लिए स्टफिंग। ठीक, उसके लिए हमें चाहिए पहले मायोनीज, एक कप मायोनीज। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस, थोड़े से ओरिगानो, थोड़े से पार्सले, एक चम्मच पिसी हुई चीनी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे गाजर जो कि कश की हुई है और उसके साथ ये बंद गोभी, एक गाजर है और एक छोटी बंद गोभी, बिल्कुल छोटी सी। अब इसको इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करके अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं। हम इसको देखेंगे अपने टॉपिंग के। अब इसको हम फुल आंच करके और भून लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। इसको भून लिया अब अच्छी तरह, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, अब ये बिल्कुल तैयार है। पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार करना शुरू करते हैं। पहले हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे केचप। अब हम इसमें जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी स्टफिंग करेंगे। हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, इसके ऊपर हम एक और ब्रेड रखेंगे। ये जो स्टफिंग तैयार की थी हम ये डालेंगे। हम रखेंगे एक और ब्रेड, इसको इस तरह से करके इस पर हम हल्का सा इसकी स्टफिंग देंगे। ये ज़्यादा नहीं लगाना है इस पर, हमने ये बहुत कम कम लगाना है। इस पर डालनी है चीज़, अब इस पर रखेंगे हम प्याज, शिमला मिर्च जो कि हमने पहले से काट के रखी हुई है चीज़ें, टमाटर, ऊपर हम थोड़ी सी और चीज़ डाल देंगे। इस पे हम डाल देंगे थोड़ी सी ओरिगानो, हम रखेंगे जैतून कटे हुए, इस तरह से सारे ऑलिव्स इस पे सजा के और हम इस ओवन में रखेंगे। अब हम इसको ओवन में रखने लगे हैं 200 डिग्री पे 10 मिनट देंगे। ठीक, अब 10 मिनट होने के बाद हम इसको खोल लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।